आज का ये पावन दिवस नानी बायरो मायरो हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन दीपा जी जो एक शक्ति का भक्ति का अपनी सनातन पुरातन परंपरा को घर घर नगर नगर डगर डगर ढाणी ढाणी जो एक अलख जगा रही हैं इस व्यास गद्दी पर इस पवित्र ज्ञान परंपरा को बढ़ा रही हैं। मां निर्माण करने वाली होती है, मां राम कृष्ण सीता सावित्री गौतम कणाद जैमिनी पतंजलि पाणिनी मां महर्षि दयानंद विवेकानंद मां छत्रपति शिवाजी महाराज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली होती है। इसलिए मां सबसे ज्यादा पूजनीय होती है। वेदों में उपनिषदों में माता की बड़ी महिमा गाई है और मां को सबसे पहला देवता बताया है। इसलिए कहा कि मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अपनी मां जिसकी सेवा करके ही मुक्ति मिलती है। और ये भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है, ये महर्षियों का देश है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर माताओं का बहनों का मातृशक्ति का जहां सम्मान होता है वहां साक्षात देवताओं का वास होता है, निवास होता है। इसलिए नानी बाई का मायरा इस कथा से आपके अंदर जो हृदय में ज्ञान का विवेक का वैराग्य का मातृशक्ति का जो ज्ञान मिल रहा है उसको आत्मसात करके अपने घर परिवार को ऐसा बनाना। कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं आ रहा था, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो हमारी श्रद्धामयी बहन का शब्द मुखार बिंदु से सुनाई पड़ा कि मां घर में ना हो तो घर अस्त व्यस्त है, सुना है। अब यहां हम बैठ करके सुन लें, बाहर सुन लें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सामने सुन तो रहे। कथा भागवत जो भी हम जान सुन रहे हैं गुरुओं से विद्वानों से उसको बैठ करके सुनना। अब जैसे चलते चलते कितने लोग सुन रहे होंगे, लेकिन जो शब्द हमारे कानों में पड़े, जो कथा हम बैठ करके सुने, वो हमारे जीवन में बैठ जाए, हमारे स्वभाव में बैठ जाए। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, क्या है ये जो आप सुन रहे कथा, एक एक शब्द हमारे जीवन को महान बना रहा है, ये ज्ञान यज्ञ। क्या है ये? ज्ञान यज्ञ। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय इस कथा का जिन्होंने इस अनुष्ठान को इस महायज्ञ को एक सबके कल्याण के लिए अपनाया है, इसका सूत्रपात किया है, तो एक महान यज्ञ का भी अग्निहोत्र का भी जिससे व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, क्या करना क्या नहीं करना, जीवन में कैसे जीना कैसे नहीं जीना, ये विवेक जागृत हो जाए तो हमारा जीवन महान हो जाता है। एक इंसान भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो नर से नारायण हो जाता है, नारी नारायणी स्वरूप हो जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। माता को प्रथम गुरु कहा है इसीलिए, क्योंकि 9 माह शिशु को गर्भ में पालती है और जो वो विचार करती है,
जो खाती है, जो पीती है, जो सोचती है, जैसा व्यवहार करती है, वैसा संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो उसके अंतिम श्वास तक उसका संस्कार बनकर के कार्य करता है। एक एक शब्द आपके मन को, आपके विचार को पवित्र कर रहा है, और वो पवित्र विचार आपके जन्म जन्मांतरों तक जाने वाला है, केवल यहीं पर अभी के लिए नहीं है। इससे जीवन आपका सुधरेगा, इससे भावपार होंगे और जीवन का सुधार होगा, उद्धार होगा। जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसको होम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होम कहते हैं ना। और अंग्रेजी के जो लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं, घर को क्या कहते हैं? होम कहते हैं। होम कहते हैं, HOME, होम कहते हैं ना। तो होम अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को जान करके, उन्होंने जिस परिवार में प्यार से लोग रहते हैं, रोज हवन करते हैं, उसको उन्होंने कहा ये होम है। क्या है ये? अब जैसे कोई व्यक्ति नाम नहीं जानता किसी का, और बहुत भीड़ लगी है, कैसे बुलाए? कोई टोपी लगा के बैठता है तो क्या, ए टोपी इधर आओ। कोई चश्मा लगा के बैठता, ए चश्मा खड़े हो जाओ। अब नाम तो नहीं पता, क्या करेगा? आप व्यवहार करते हैं, शहर में जाते हैं, पता नहीं रिक्शा वाला, ए रिक्शा इधर आओ, रिक्शा टैक्सी इधर आओ। टैक्सी तो निर्जीव है, रिक्शा निर्जीव है, टोपी निर्जीव है, चश्मा निर्जीव है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति जान लेता है कि चश्मा मैं ही लगाऊं, मुझको उठना पड़ेगा, टोपी मैंने लगाई है, इसलिए मैं चौकन्ना हो जाता हूं, उठ जाता हूं। टैक्सी तो टैक्सी नहीं आएगी, टैक्सी वाला आएगा, है कि नहीं? इसलिए होम कहने से क्या होता है? होम का तात्पर्य, जब हम होम बोलते हैं तो समझ लेना कि हमारा पूरा वैदिक, हमारा पूरा सनातन परंपरा का वो परिवार जागृत होता है। होम एक छोटा शब्द नहीं है, होम शब्द बहुत विराट शब्द है। पहले होम अग्यारी करते थे कि नहीं? जब तक होम नहीं करते थे तब तक खाना किसी को मिलता नहीं था, और आज भी कई घरों में ऐसा होता है, होता है ना। तो याद रखना, होम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अग्नि में हम जो कुछ डालते हैं, इस पूरे वातावरण में उसका प्रसार हो जाता है। होम, होमाथेरेपी, दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, ये अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है जो हमारे जीवन को और इस संपूर्ण वातावरण को सुवासित करता है, हर्षित करता है, विलसित करता है और सबके रोगों को हरता है। आज घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मानसिक रोग हैं, तनाव है, क्यों? क्योंकि हमने हवन करना छोड़ दिया, हमने योग करना छोड़ दिया, हमने सेवा करनी छोड़ दी, अपने माता पिता का आदर करना छोड़ दिया, अपने बड़ों की बातों को मानना छोड़ दिया, इसलिए आज घर दुखी है। यज्ञ का बहुत बड़ा विराट अर्थ है। यज्ञ, देव पूजा, संगतीकरण और दान, इन तीन अर्थों से यज्ञ शब्द बनता है। लेकिन मैं आपको ज्यादा विस्तृत ना करते हुए केवल इस यज्ञ का, हवन का कितना बड़ा महत्व है, माताओं मेरी बात याद रखना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो कुछ बातें मेरी मान लो, कुछ बातें मान लो, जान लो, पहचान लो और उनको जीवन में उतार लो। बहुत सुंदर बात कही एक बार आचार्य चाणक्य को सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? कहां देखा? आए थे क्या? किताबों में, ये सब किताबों में पढ़ा। और ऋषियों का ज्ञान जो हमको शब्दों से मिलता है, हमको गुरुओं से मिलता है, हमको ग्रंथों से मिलता है, मिलता है कि नहीं? हजारों लाखों पुरानी वर्ष परंपरा को, अपनी सनातन वैदिक परंपरा को, अपने वेदों की परंपरा को, जो हजारों लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि हुए, जो उन्होंने जिया, उन्होंने जो हमको दिया, वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है
और सबके कल्याण के लिए है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। इसलिए चाणक्य से किसी ने पूछा, आचार्य चाणक्य नगर में टहल रहे थे, जैसे मांडला में आ गए, घूम रहे थे इधर उधर, किसी ने पूछा अरे आप यहां कैसे टहल रहे? बोले मैं नगर में शमशान ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? नगर में शमशान ढूंढ रहा हूं। व्यक्ति ने कहा आचार्य जी थोड़ा सा विचार करिए, ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? आप नगर में हैं, शमशान नगर के बाहर होते, नगर के अंदर नहीं। फिर से आप विचार करिए, क्या बोल रहे हैं? आचार्य ने फिर कहा मैंने ठीक बोला है, आपने ठीक सुना है, मैं उस शमशान की खोज कर रहा हूं जो घरों में होता है। एक शमशान नगर के बाहर, घर के बाहर, और एक शमशान घर के अंदर। अब बताओ घर के अंदर शमशान, ओहो कौन सा शमशान है, किसे शमशान कहा है? तो बहुत सुंदर बात कही है कि ना विप्र पादो दक कर्द मानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। क्या कहा कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी। मैंने आपसे जो पहले कहा कि अतिथि देवो भव, याद रखना हमारा घर शमशान बन जाता है उस दिन जिस दिन कोई विद्वान, धार्मिक, राष्ट्र का, संसार का उद्धार करने वाला, निस्वार्थ भाव से जन जन तक को जगाने वाला व्यक्ति, विद्वान जब घर आता है उसको अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि का मतलब ये नहीं है कि अतिथि कब जाओगे, ठीक है ना? अतिथि का मतलब ये नहीं कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। तो ठीक है, आजकल मोबाइल हो गया, पता चल जाता है, स्टेटस में डाल देते हैं लोग कहां पहुंचे, लोकेशन डालो, है ना? ये अतिथि नहीं। अतिथि का तात्पर्य जो विद्वान है, धार्मिक है, जो आत्म कल्याण से जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जगह जगह जब सबको जगाता है, परिव्राजक बनता, उसको अतिथि कहते हैं। अब ये नहीं कि ससुराल वाले लोग आ जाएं तो वही अतिथि है, ठीक है ना? एक अतिथि। दूसरा, अब अतिथि कोई चोर उचक्का आ जाए तो उसको अतिथि मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। अतिथि का तात्पर्य जो विद्वान है, धार्मिक है, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा है। तो हमारे घरों में पहले क्या लिखते थे? अतिथि। फिर क्या लिखने लगे? स्वागतम। फिर क्या लिखने लगे? वेलकम। फिर क्या लिखने लगे? बड़े बड़े शहरों में पट्टी बड़ी सी, कुत्ते से सावधान। हाँ, बड़े शहरों में आप बड़े जाओ, उनके गेट पर बड़ी बिल्डिंग बनी, महल बना है, लेकिन काली पट्टी लगी है, दूर से दिखाई पड़े, कुत्ते से सावधान। अब ऐसा लगता है कि कुत्ते ही घर में रहते हैं, कोई अपने कपड़े फड़वाने जाएगा क्या? बोलिए। इसलिए घर आज दुखी है, क्योंकि अतिथियों की सेवा करना हमने छोड़ दिया। अतिथि जब आते थे तो बहुत सारा ज्ञान विज्ञान हमारे घर में सत्संग में बताते थे कि नहीं, और पूरे घर को संकल्प दिलाते थे धर्म के मार्ग पर चलना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, नशा नहीं करना, कितनी बातें बताते थे। आज सत्संग करना छोड़ दिया, कुसंग में चले गए। तो कहा कि जिस घर में अतिथि आए और उसके पाद प्रक्षालन न कराए जाए, उसका स्वागत न किया जाए, उसके घर की जमीन उसके पैर धुलने से यदि गीली ना हो तो वो घर शमशान के समान है। याद रखना, अतिथि देवो भव, पहली बात। दूसरी बात क्या कही? ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। आज हमारा घर परिवार क्यों दुखी है? क्योंकि हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, हमने गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत का, वेदों को पढ़ने का स्वभाव छोड़ दिया। हमारे बच्चों को कुछ आता नहीं, जब माता पिता को नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा? बोलिए। हम दुखी होंगे, परिवार आज बट रहे हैं, बड़ा षड्यंत्र है ये। हमारा परिवार संयुक्त परिवार, हमारी भारत की ये पहचान है कि माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, सब कितने एक परिवार में, एक छत के नीचे रहते थे,
सब सुखी रहते थे। बच्चा पैदा हो गया और पता नहीं कितनी जल्दी बड़ा हो गया, कुछ पता नहीं, ना माता को ज्यादा पालन पोषण करना पड़ा ना पिता को, क्यों, संभालने वाला दादा है, दादी है, चाचा है, फुआ है, फूफा है, बोलिए। और उसको अनेक जान एक आंगन में मिल जाता था, मिलता था कि नहीं, हम उसको भूल गए, छोड़ दिया। अगली बात कहा कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी, जिसका अतिथि का स्वागत नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर क्या है, शमशान के बराबर है। दूसरी बात, जिस घर में वेद शास्त्र ध्वनि की चर्चा नहीं, वेद मंत्रों का गुंजायमान नहीं होता, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, ये भारतवर्ष है जहां हर घर में गीता रामायण उपनिषद महाभारत, जहां पर वेदों की ऋचाओं का गान होता था, हर व्यक्ति जो है ज्ञानी होता था, विज्ञानी होता था, यहां चतुर्वेद पारण यज्ञ होता था, चतुर्वेदी कहलाते थे, यहां पर तीन वेदों का यज्ञ होता था, त्रिवेदी कहलाते थे, यहां दो वेदों का ज्ञान होता था, घर घर में द्विवेदी कहलाते थे, यहां पर मिश्रित ज्ञान होता था, मिश्रा कहलाते थे, आज चतुर्वेदी, क्षमा करना कोई हो तो, चतुर्वेदी तो है लेकिन चार वेद मंत्र नहीं आते, कितना गिरावट इस समय, इसलिए आज दुखी है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, अज्ञान, अविवेक, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, ये पाप है, वो घर अभिशाप है, वो घर शमशान के समान है। अगली बात, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, आगे कहा, अब अगली बात, जिसका अनुष्ठान आप सब मिलकर के कर रहे हैं, आज सनातन जाग रहा है, आज कलयुग नहीं सनातन युग आ रहा है, सनातन युग आ रहा है, राम युग आ रहा है, घर घर में ऐसा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। अगली बात क्या कही, ना स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, क्या कहा, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में, जिस घर के बड़े बुजुर्ग, बेटा बेटी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे मिलकर के यज्ञ नहीं करते, जहां रोज स्वाहा स्वाहा का गुंजायमान नहीं होता, स्वाहा स्वाहा करके लोग बोलते नहीं, आहुति नहीं देते, वो घर शमशान के समान है। कितनी बड़ी बात है, जहां जिस घर में रोज हवन नहीं होता, वो घर क्या है, शमशान के समान है। याद रखना, अब आप स्वयं इसका आत्मनिरीक्षण करना कि मेरा घर स्वर्ग है या शमशान है, आप समझ लीजिए। चाणक्य ने कहा था कि एक शमशान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं बाहर नगर के बाहर, और एक शमशान घर के अंदर जहां जिंदे लोग जलाए जाते हैं, जहां पर दुख है, कष्ट है, खींचतान है, जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जहां पर कला है, वो शमशान है। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। ना स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा और स्वधा, स्वाहा मतलब आहुति देना, स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते ना, स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, स्वाहा देकर के आहुति देते। तो स्वाहा देवताओं के लिए, हवि देवताओं के लिए, और कवि स्वधा, स्वधा शब्द समझ लीजिए, स्वाहा तो पंच जो आहुति देते हैं, जिसमें हम सामग्री डालते हैं, घृत डालते हैं, और जो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, सारी बैक्टीरिया, फंगस, सारे कीटाणु, सारे रोगाणु नष्ट कर देता है, जहां भी यज्ञ होता है वो यज्ञ पूरे घर परिवार को सुवासित कर देता है, विलसित कर देता है, इसलिए उस घर को स्वर्ग कहा जाता है जहां रोज यज्ञ होता है। स्वाहा और स्वधा दो बातें बोली, स्वाहा मतलब देवताओं के लिए, देवता दो प्रकार के, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता, पंच महाभूत, ये सारा शरीर और ये सारा संसार पंचभूतों से बना है, इसलिए इसकी शुद्धि करना, वायु की, जल की, अग्नि की, इस वायुमंडल की और पृथ्वी की, ये सब शुद्ध होगा तभी तो हमारा जीवन ठीक चलेगा। आज ना वायु शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, ना विचार शुद्ध है, ना आहार शुद्ध है, तो कहां हम शुद्ध रहेंगे, बोलिए, ये बीमारी है कि नहीं। तो बीमार कोई रहेगा तो शमशान में ही, समझ लो। स्वधा, स्वधा का मतलब यह है कि जिस घर में माता पिता का
सम्मान नहीं है, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं अपमान होता है, जहां पर तर्पण नहीं होता, जहां पर श्राद्ध नहीं होता, वो घर शमशान के समान होता है। याद रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये बहुत बड़ा जो है तप है। उनको अन्न से, जल से, औषधि से, वस्त्र से उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनको तृप्त करना, यही तर्पण है। और श्रद्धा पूर्वक करना यही श्राद्ध है। श्रद्धा से की हुई सेवा श्राद्ध है, और उस श्रद्धा की सेवा से जो माता पिता हमारे बड़े बुजुर्ग तृप्त हो जाएं, आनंद हो जाएं, वाह वाह कह करके, हमारी संतान हो तो ऐसी हो, बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो, हमारी बहू हो तो ऐसी हो, माता पिता हो तो ऐसे हो, जहां एक दूसरे का सम्मान होता है, जहां एक दूसरे का अपमान नहीं होता, वो घर स्वर्ग के समान है। और जहां ये नहीं होता, सम्मान नहीं होता, वो शमशान के समान होता है। अब बच्चे से पूछो कहां जा रहे हो, वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल, और जा रहा है, बोला कहीं नहीं जा रहे। पूछते कहां जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे। 12 बजे रात में आ रहा है घर में वापस, कहां से आ रहे हो, क्या उत्तर देता, कहीं से नहीं आ रहे, कहीं से नहीं आ रहे, यहीं थे। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जबकि मोबाइल में दिन रात लगे, मोबाइल छूट नहीं रहा। तो मेरी माताओं, बड़े बुजुर्गों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर को स्वर्ग बनाना है तो आचार्य ने कहा कि सावि प्रपादो दक कर्दमानी सावेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणितानि। कहा जहां रोज अतिथियों का सत्कार है, जहां पर रोज गीता रामायण महाभारत, जहां पर कथाओं का वाचन, जहां पर कथाओं का अध्ययन अध्यापन होता है, जहां पर रामायण का, जहां पर सुंदरकांड का, जहां पर दिव्यता का आधान होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। जहां सब घर परिवार मिलकर के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, और अपने से बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों का आदर करते हैं, उनको प्रीति करते हैं, उनको स्नेह देते हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। याद रखना, अब आपको तय करना है कि आपका घर स्वर्ग बने या नरक बने, शमशान बने। शमशान तो कोई नहीं बनाना चाहेगा। तो याद रखना, रोज नहीं कर सकते यज्ञ तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर मिलके करना। देखो अंतिम बात, देखो जो व्यक्ति जीवन को पूरा करके चला जाता है उसको क्या कहते हैं, स्वर्गीय। क्या कहते हैं, जो शरीर छोड़ करके चला गया क्या बोलते हैं उसको? अच्छा आपको पता है स्वर्गीय है वो, बोलो ना माताओं, भीमाराम जी, भंवरलाल जी, जो व्यक्ति शरीर छोड़ करके चला गया क्या बोलते हैं उसको? स्वर्गी। आप जानते हो स्वर्ग में गया है वो, भले ही नरक में गया हो, और कहेंगे स्वर्गीय। चाणक्य कहते हैं कि तुम अपने आप अपने इस जीवन में घर को स्वर्ग बना लो और जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ। जीते जी क्या बन जाओ? स्वर्गवासी बन जाओ। अरे बाद में क्या होगा, जीते जी स्वर्गवासी बनो, बाद में क्या कौन देखता है। तो कोई पूछे कहां रहे, तो मनो स्वर्गवास है, हमारा स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आनंद हुआ। आइए परमपिता परमेश्वर का जो विधान है, जो उसका संविधान है, रोज योग और यज्ञ करना। आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही, किसी किडनी, किसी का लीवर, किसी की आंतें, और किसी का हार्ट, ओहो बड़ा खतरनाक मामला। युवाओं को, युवतियों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही, घटती कि नहीं? नौजवान व्यक्ति तुरंत योग करो, सीधा बैठो, एक बार गहरे श्वास भरना और गहरे श्वास छोड़ना, भरिए और छोड़िए, भरिए और छोड़िए। इससे दवा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर दूर हो जाएंगे, इससे लंग्स के रोग नहीं होंगे, फेफड़े के रोग नहीं हो, और कपाल भाती तो बड़ी कमाल की भाती है। ये कपाल भाती, और कपाल भाती करने से पेट के रोग नहीं होंगे, गैस, अपच, खट्टी डकार नहीं होगी। कपाल भाती करने से चेहरा सुंदर होगा,
फेरन लभी लगाने से कोई अच्छा नहीं होगा। कोई दिन भर लीपा पोती करते रहते करते कि नहीं, कपाल भाती करोगे तो चेहरा बिल्कुल चमकदार रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा, तन भी अच्छा रहेगा। कपाल भाती अनुलोम विलोम, एक बार हाथों को ऊपर करिए और दाहिनी ओर अंगूठा लगाइए, गहरे श्वास भरिए और उंगलियां लगा के छोड़ दीजिए श्वासों को, फिर दाएं से भरना और बाएं से निकाल देना। बाएं से भरिए फिर दाएं से निकाल दीजिए। ये अभ्यास 10 मिनट भी रोज करेंगे तो इससे सिर दर्द, इससे आपकी आंखें, इससे आपके कान, इससे आपके हार्ट अच्छे रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन 5-10 मिनट जरूर योगा अभ्यास करिए। और कभी फिर ज्यादा आपको सीखने की जरूरत हो तो हरिद्वार से मुझको बुला लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जैसे दीदी कथा सुनाती है, मैं आपको जो है योग की गंगा में डुबकी लगवाऊंगा, योग आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दोबारा मंडल में आऊंगा तो आपको योग सिखाने के लिए आऊंगा। आज तो मेरा सौभाग्य था इस बहुत पवित्र पुण्य इस कथा में आने का सौभाग्य हुआ। नानी माँ का ये भाई का जो मायरा है, हम अपने अनुशासन में अपने हर प्रकार से इंद्रियों पर मन पर नियंत्रण करके रोज जैसे दीदी यहाँ बताएगी, बता रही है निरंतर, वैसे अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा थोड़ी भक्ति का, थोड़ा यज्ञ का, यजन का, भजन का, थोड़ा ध्यान का अभ्यास करने से जीवन पार हो जाता है। जीवन हमारा भव से पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।